ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कल दही हंडी का त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। दरअसल कृष्ण जन्माष्टमी 23 और 24 अगस्त को मनाई गई। 23 अगस्त को नंदलाल गोपाल का जन्म रात 12 बजे के बाद होता है। वृंदावन की महिलाएं जो है नंदलाल के माखन चोरी से तंग आकर महिलाओं ने माखन की मटकी रस्सी से ऊंचाई पर बांध देती है कि नंदलाल मटकी तक ना पहुँच सकें, लेकिन अपनी सूझबूझ से दोस्तों के साथ मिलकर एक पिरामिड बनाकर मटकी फोड़कर माखन चोरी कर लेते हैं। इसीलिए ये त्यौहार दही हंडी फोड़कर मनाया जाता है। मुंबरा में भी बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। हनुमान अखाड़ा मित्र मंडल की तरफ से सुदामा शिवदास भगत, विश्वनाथ रामदास भगत, रामचंद्र नाना भगत और रामचंद्र भगत ने कई सालों से दही हंडी फोड़कर ये त्यौहार मना रहे हैं और इसी तरह मुंबरा में भी ये त्यौहार मनाया गया। मगर वहीं मुंबरा में भी एक तस्वीर और सामने आई है, जहां कुछ मुस्लिम युवक और हिंदू युवकों ने मिलकर भाईचारे का संदेश देते हुए दही हंडी की मटकी फोड़कर ये त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया। साल से हमारे दोस्ती ग्रुप की तरफ से हम लोग हर साल ये हंडी का प्रोग्राम लगाते हैं और भाईचारा बने रहे तो हम लोग पूरे मुसलमान लड़के हमारा पूरा ग्रुप दोस्ती ग्रुप मिल बांट के हर त्यौहार करते हैं और हमारा इस पर पूरा ग्रुप हमारा साथ देता है। हम ये देश में ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम सब एक है और हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए, हम सब मिल के इंसानियत की मिसाल कामयाब होना चाहिए। बाकी हम लोग ये ऐसा है कि हम लोग सब मिल के हर दोस्त लोग यानी अच्छा बुरा सर कुछ भी दिया हम लोग हर मिलजुल के सब त्यौहार मनाते हैं। इस साल भी हम लोग ने किया है पूरी तरह से हम लोग के दोस्तों में मिलकर किया गया है। अब ये वीडियो से ये क्लू होता है क्या उन लोगों के मुंह पे काफी बड़ा तमाचा है कि जो लोग सोचते हैं जात धर्म की वजह से हम लोग नहीं कर सकते। जहां एक तरफ दही हंडी की धूम मची थी तो वहीं कुछ गोविंदाओं के घायल होने की भी खबर सामने आई है। दही हंडी फोड़ने के दौरान टोटल 124 गोविंदा घायल हुए हैं। कल्याण में एक, कलवा में दो, खारेगांव में एक, माझीवाड़ा में एक और मुंबई में दही हंडी फोड़ने के दौरान 119 गोविंदा घायल हुए हैं, जिसमें 26 भर्ती हैं और 93 को डिस्चार्ज कर दिया गया है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।